आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई जो बात है, कृपा करके आप उस पर वोट दीजिए। जिसको वोट देना है दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। और इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि गांव-गांव जाऊं, लोगों को समझाऊं, और लोग अगर समझेंगे तो नई व्यवस्था बनेगी। जो हमने व्यवस्था यहाँ बनाई है, जो हमारे कंट्रोल में है, आप इसमें कहीं पर भी मेरा एक फोटो भी दिखा दीजिए। पीके फॉर सीएम तो बहुत बड़ी बात है। हमने ना कोई दल बनाया है, ना हम उस दल के नेता हैं, ना हम अपना कहीं तस्वीर लगाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। जनसुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से मुजफ्फरपुर घूम रहे हैं। इसी क्रम में आज उनके द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा, मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर साफ साफ समर्थन किया है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को फायदा है। उन्होंने साफ साफ कहा, वन नेशन वन इलेक्शन अगर सरकार की सोच, इसे सही नीयत है तो ये अच्छा चीज़ है, लेकिन नीयत क्या है सरकार की, ये जानने वाली बात है। वहीं प्रशांत किशोर ने सीएम के सवाल पर साफ साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो अभियान के अंतर्गत आए हैं और अभियान चला रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों की चेतना को जगाया जा रहा है। वहीं योजनाओं को लेकर पीएम मोदी चाहे हों या सीएम नीतीश कुमार की जितनी भी योजनाएं हैं बिहार में, उसको लेकर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। विधायकों तक को पैसा जाता है, इसका आरोप लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आप वो सुनिए। मेरे भाई ऐसा है, देखिए, आप जो हमने व्यवस्था यहाँ बनाई है, जो हमारे कंट्रोल में है, आप इसमें कहीं पर भी मेरा एक फोटो भी दिखा दीजिए। पीके फॉर सीएम तो बहुत बड़ी बात है। हमने ना कोई दल बनाया है, ना हम उस दल के नेता हैं, ना हम अपना कहीं तस्वीर लगाते हैं। ये एक अभियान है जो मैं समझता हूँ कि बिहार की सारी समस्याओं के मूल में एक समस्या है कि बिहार के लोग अपनी समस्याओं पर वोट नहीं करते हैं। तो जन सुराज की का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताना है लोगों को कि भाई, जो आपकी समस्या है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई जो बात है, कृपा करके आप उस पर वोट दीजिए। जिसको वोट देना है दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोट आप बच्चों के पढ़ाई के लिए दीजिए, रोजगार के लिए दीजिए। सिर्फ बात करते रहने से, मैंने अभी आपको गिनाया इतनी समस्या, हम तो आज देख रहे हैं तो समझ रहे हैं, आप में से बैठा हुआ कौन आदमी जो समस्या नहीं जानता है, और आप और हम तो जान रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो लोग इसको भोग रहे हैं वो तो रोज इसको फेस कर रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब वोट करने जाता है तो इन समस्याओं के बारे में भूल जाता है और वो वोट करता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मोदी जी का चेहरा देखकर, लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। वो कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करता है, और यही बिहार की सबसे बड़ी समस्या है मेरी समझ से। और इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि गांव-गांव जाऊं, लोगों को समझाऊं, और लोग अगर समझेंगे तो नई व्यवस्था बनेगी। लोग नहीं समझेंगे तो इसको कोई सुधार नहीं सकता है। आप चाहे जिसको जिताइए, जिसको हराइए, चाहे जितनी मेहनत कीजिए, जब तक लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। प्रतिक्रिया ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4-5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल पर। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में, मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूँ, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है, तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो है वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं। आज यहाँ इलेक्शन, आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या दो बार में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी, जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। अब लेकिन चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार शायद बिल ला रही है, जैसा आप मीडिया बंधु बता रहे हैं, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नियत सही में ठीक है, इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। लेकिन मैं फिर इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा। मान लीजिए कि आप अपराध, आतंकवाद निरोधक को कानून लाते हैं, तो कानून लाना तो अच्छी बात है, आप आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस कानून का उपयोग अगर आप किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं तो उसका तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं है। तो किस नियत से सरकार ला रही है और कितने साथगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज न हो, हर साल न होकर अगर एक बार में या दो बार में होंगे, उससे देश का, समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है।
तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को फायदा है, लेकिन सरकार की नीयत क्या है ये बड़ा सवाल है। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार की नीयत इसमें क्या है इस पर हमारा सवाल है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा है। वहीं सीएम के सवाल पर उन्होंने साफ साफ कई सारी बातों को कहा। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की उन्होंने बिहार में पोल खोल दिए। तो बने रहिए लाइव स्टूडियोज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।